तो दोस्तों, आज अगस्त की 7 तारीख है और आज मैं आपको जेट प्लांट की कुछ केयर टिप्स और सेब के फैट के बारे में बताऊंगा, जिसे आप जेट प्लांट को अपने पास अच्छे से ग्रो करें और इसकी आप अच्छी तरह से केयर कर सकें। जेट प्लांट बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये जो आप जेट प्लांट सभी देख रहे हैं, ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और इसको अलग अलग शेप में तैयार कर रहा हूँ। जेट प्लांट की पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं और यह पानी को स्टोर रखती हैं। यह प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और यह प्लांट इंडिया का नहीं है, लेकिन यहाँ के मौसम में अच्छी ग्रोथ करता है। शेप देने के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जेट प्लांट के बारे में जानना चाहिए। तो पहली बात कि जेट प्लांट आपका एक इंडोर प्लांट है कि नहीं, इसका वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूँ। अगर जेट प्लांट की बात करें तो यह एक इंडोर प्लांट पूरी तरह से तो नहीं है, यह एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन आप इसे इंडोर ऐसी जगह रखें जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती हो। ये देखिए, ये मेरा जेट प्लांट जिसे मैं सेब दे रहा था, इसकी ये ब्रांच अब बरसात में काफ़ी बढ़ गई है। तो सबसे ज़रूरी काम और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने प्लांट को सेब दे रहे हैं तो आप हर 15 दिन में ब्रांच को प्रून ज़रूर करें। किसी भी शार्प चीज़ से ब्रांच को कट करें। जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छा शेप देने के लिए इसकी ट्रिमिंग और प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर 15 दिन में एक्स्ट्रा ब्रांच को प्लांट से कट करते रहिए। तीसरी बात कि जेट प्लांट को आपको नर्सरी से बार बार नहीं लेके आना है, क्योंकि यह प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और इस प्लांट की छोटी सी भी कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। तो एक प्लांट आप लेके आएं और उस एक प्लांट से कई सारे प्लांट इसके आप तैयार कर लें। चौथी बात जेट प्लांट की सॉइल को लेकर है। जेट प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन सॉइल रहनी चाहिए, जिससे आप जब भी इस पर वाटिंग करें तो एक्स्ट्रा वाटर पानी में रुके नहीं और पॉट के ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए। पांचवी बात जेट प्लांट की सॉइल तैयार करने को लेकर है। तो इसकी सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आप 50% सॉइल लें और 25% सैंड और साथ में 25% कंपोस्ट लें। इन तीनों को लेकर के आप सॉइल तैयार करें। अब मैंने ये एक जेट प्लांट की ब्रांच को प्रून कर दिया है, तो ट्रिम करने के बाद अब इसका शेप कुछ इस तरह से निकल कर आया है। कुछ दिन में छोटी छोटी बहुत सारे लीफ इस पे आ जाएंगी। अगला प्लांट यह मेरा बॉल शेप का था, जिसे कुछ दिन ही पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन देखिए इस पे कितनी सारी एक्स्ट्रा ब्रांच हो गई है। तो बहुत ज़रूरी काम है जेट प्लांट को संभाल के रखने के लिए टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करना। जेट प्लांट को सेब देना बहुत ही आसान है, तो आप भी जेट प्लांट को सेब दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जेट प्लांट की छठवीं बात की बात करते हैं, तो वह है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की। तो जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आपको केवल सॉइल तैयार करते समय एक बार ही अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ज़रूरी नहीं से आप दोबारा दें, यह अपनी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। सातवीं बात प्लांट पर मिलीबग के अटैक का है। तो इस प्लांट पर मिलीबग का अटैक हो जाता है, तो इसके लिए आप नीम ऑयल स्प्रे करें तो मिलीबग कुछ ही दिन में चले जाते हैं। ये मैंने सभी जेट प्लांट की ब्रांच को कट कर दिया है।
जेट प्लांट की ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है जिससे आप इसे कोई सेब दे सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।